अभी एक बारिश गिर रहे तो अपन मतलब मोटो ब्लॉगिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि देखो कैमरा जो है वाटरप्रूफ है, लेकिन थोड़े हद तक वाटरप्रूफ है। अगर इसका वाटरप्रूफ का केस लगाए तो थोड़े हद तक उसको संभाल सकते, अगर फुल बारिश हो रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए अपन डेली मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे। और आप लोग मतलब कमेंट करिए, मतलब डेली मोटो ब्लॉग करके आप अपलोड करो हमारे वास्ते, बोले था आप लोग अगर चाह रहे देखना चाह रहे डेली मोटो ब्लॉगिंग, तो मैं डेली आपके यहाँ से लेके आने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो कंटेंट है ना वो ज़रूरी है, हर दिन कंटेंट मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए कभी कभी आप लोगों को वीडियो आना थोड़ा लेट हो जाता। अगर डेली इस तरह आप देखना पसंद कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के साथ डेली मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। सिटी में जो भी हो रहा है, जो भी व्यू दिख रहा है अपने को, जो भी डेवलपमेंट हो रहे, जो भी मतलब मैं जैसा जैसा जाते रह रहा हूँ, जैसा जैसा अपने को रास्ते में जो भी दिखते रहता हूँ वो आप लोगों को बताते रहता हूँ। ऑटो में से धुआं देखो कितना ज़्यादा निकल रहा, अपना पेट्रोल 2 पॉइंट है, मतलब आज एक दिन चलना अपने को, आज शाम के घर को आए तक ये 2 पॉइंट से अपने को चल जाना, अगर नहीं बोले तो बहुत दिक्कत हो जाता अपने को, फिर अपन कल फुल टाइम करवा देंगे। देखो इतना ठंडा मौसम में कितना अच्छा लग रहा ना, KTM 390, हाँ राइट, KTM 390 बाइक देगा जो स्पोर्ट्स मॉडल टाइप में रहता ना, वो बाइक देगा मतलब अभी न्यू एडिशन उसको अपडेट किया गया, मतलब दूर से देखा बहुत अच्छा लगा, देखेंगे टाइम मिले तो मतलब जाएंगे शोरूम जाएंगे, देखेंगे क्या है उसका फीचर्स, क्या क्या मॉडिफिकेशन अभी उसके अंदर हुआ है, प्राइस कितना है। देखो अपने को कंटेंट चाहिए, कंटेंट के वास्ते मतलब इधर भी घूमते रहना चाहिए, मतलब शोरूम सोने दो, ऐसे प्लेसेस में घूमे तो अपने को भी मालूम होता कि मतलब हाँ फीचर्स क्या है, गाड़ी का प्राइस क्या है, बोले जैसा थोड़ा थोड़ा अपने को जल्दबाजी कर दी क्या, बोले था ये तो लग रहा था मतलब, क्योंकि देखो गाड़ी अपना ट्रबल पे ट्रबल दे रहा था कि मतलब रास्ते में रुकने के चांसेस थे, इसलिए मतलब इमीडिएटली डिसीशन ले लिए कि यूँ गए यूँ एस्टिमेशन ले लिए, फिर दूसरे दिन आए ख़त्म गाड़ी ले ली, ऐसा हो गया सडनली, कुछ प्लानिंग नहीं कुछ भी नहीं, नहीं बोले तो मतलब बहुत बार ऐसा होता कि मतलब महीनों भर से मतलब वो 6-6 महीने से प्लानिंग चलता रहता कि हाँ अपने को ये करना है ये लेना है, बोले ऐसा, लेकिन ये गाड़ी लेने में मतलब उतना टाइम नहीं लगा, कल पूछे आज डिलीवरी ले लिए, इस तरह कुछ ऑप्शन हुआ अपने को तो बहुत जल्दी हो गया ये प्रोसेस। नहीं बोले तो अगर अपने को प्लानिंग कर रहे तो मतलब मैं सोचता था कि मतलब NS 200 वो बाइक मतलब अभी ज़्यादा पसंद आ रहा अपने को। देखो माइलेज की बात कर ली तो माइलेज वो ये ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी 40 देगा ये भी 40 देगा, अपन चलाने पे सिटी पे क्या है 30 या 45 उस तरह कुछ माइलेज अपने को देखने को मिल जाता, लेकिन बहुत बढ़िया है ना। देखो ये मेरे ख्याल से CC कितना है भी अभी तक मुझे पता नहीं है, 135 CC इस तरह कुछ रहेगा, जब गाड़ी में डिलीवरी लिया था जब भी उनसे मालूम नहीं करा कि इसका CC कितना है, बोले जैसा तो ले लिए, अच्छा लगा गाड़ी दिखने में तो ले लिए, अभी तो इलेक्ट्रिकल आ गए, फिर मन कर रहा है कि मतलब नेक्स्ट गाड़ी लिया जाए तो मतलब वो इलेक्ट्रिकल लेंगे या पेट्रोल की गाड़ी लेंगे, आप पेट्रोल की गाड़ी लिए तो कौन सी लेंगे, मतलब NS 200 लेंगे नहीं तो हिमालयन लेंगे, इस तरह मतलब सोच में पड़ गया अपन। देखो अपडेट तो करना है, देखो अपडेट करे तो मतलब कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाता अपने को। देखो बस वाले यहाँ रोके,
आपको बस स्टैंड बता दूँ। चलो बस स्टैंड कहाँ पर है बता दूँ। देखो बस स्टैंड यहाँ पर है, बस स्टॉप, सॉरी बस स्टॉप यहाँ पर, मतलब एक तो 4-5 कदम के बस स्टॉप है। इससे पहले ही मतलब सिग्नल के पास रोक रखे उस बस वाले ने। संडे है लेकिन आज भी देखो मतलब गाड़ियां तो बहुत सारे जा रहे हैं। मौसम बढ़िया है ना पूरा, मतलब एक तरफ हॉस्पिटल में दिख रहा ठंडा ही ठंडा है मौसम पूरा। कभी भी एनी टाइम बारिश हो सकता है, बोले ऐसा दिख रहा। अभी तो लाइटली छोटे छोटे छिटे तो गिर रहे, लेकिन मौसम को देखो तो मतलब ऐसा लग रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है, बोले ऐसा लग रहा अपने को। देखो बारिश गिर रहा बोले ऐसा, आप शूज पर पहन के आए, क्योंकि देखो शूज पहने तो मतलब फॉर्मल जो शूज पहने तो उसके अंदर वाटर जाने के चांसेस रहते हैं, तो भीग जाते। फिर अपने को थोड़ा उसको कैरी करना कुछ ड्यूटी में थोड़ा दिक्कत हो जाता, क्योंकि पूरा गिल्ला बन रहा जाता शूज के अंदर। अपन पहने तो भी मतलब गिल्ला गिल्ला ही लगता अपने को, तो इसीलिए शूज नहीं पहनते। हाँ जी स्लीपर कैरी करो। जितने भी दिन जो मौसम देख रहे हैं आप लोग, अगर ये मौसम है तो स्लीपर यूज करना चाहिए। हाँ थोड़ा सा धूप निकल रहा, थोड़ा मौसम चेंज होगा, बारिश नहीं गिर रहा था कोई दिक्कत नहीं है। अपने को एक अच्छा सा फील आता कि मतलब हाँ कंफर्टेबल व्हीकल है बोले सारा। लेकिन अभी फॉर्च्यूनर ही तो मतलब उससे भी टॉप गाड़ी है फॉर्च्यूनर ही, उससे भी हाइट रहेगा, उससे भी मतलब दिखने में बढ़िया दिखेगा, और साथ साथ जो ड्राइविंग स्किल रहेगा और उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। रहने से पूरा रोड पूरा खाली है, अगर नहीं बोले तो यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम। फिर अपने के 10 मिनट का समय तो यहाँ पर ही लग जाता, मतलब बहुत फास्ट काम चल रहा फ्लेवर का भी। मुझे लग रहा है कि मतलब ये महीने में या दिसंबर मंथ तक, मतलब जो आने वाले नए साल में इस फ्लेवर का ओपनिंग हो जाना बोले ऐसा टारगेट है शायद। देखो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब जैसा ये कंप्लीट हो जाता जितना भी ट्रैफिक जाम हो रहा तो इससे मतलब बच जाते मतलब। लेकिन देखो अपन डेली इस फ्लावर को भी अपन ट्रैवल कर सकते, लेकिन अपने को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस क्यों बोले तो बहुत आगे जाके फिर अपने यू टर्न करके लेफ्ट जाके फिर राइट जाके उस तरह होते हुए भी अपने को जाना पड़ता। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये फ्लेवर के ऊपर से जाके अपन काम पर निकल सकते। एक बार तो आप लोगों को बता दूँ ये फ्लेवर से मतलब किधर किधर से अपने को रूट निकलता है ये फ्लेवर ओपनिंग हो गए बाद में, तो एक बार आप लोगों के वहाँ से लेके आता हूँ। हाँ अगर बारिश नहीं गिरती इस तरह मौसम में तो अपन डेली मोटर ब्लॉगिंग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इनोवा का क्रेज है इसीलिए इतना ज्यादा क्यों है बोले ऐसा सोचता है टाइम पे मैं, लेकिन इनोवा है क्योंकि देखो 7-सीटर 8-सीटर के अंदर आ जाता गाड़ी वो एक अच्छा कंफर्टेबल है, और साथ साथ जो सीटिंग रहता है वो जो गाड़ी चलाने का जो सीटिंग है जो सामने का जो व्यू है बहुत बढ़िया दिखता है उससे। मतलब देखो कितना भी दूर आप ट्रैवल करो मतलब थकावट नहीं होता, वो एक बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पर भी मतलब डाल दिए रोड, क्योंकि देखो ये काम मतलब ज़्यादातर रातों के टाइम पे होते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम नहीं रहता, इसलिए फ्री मतलब अपने को मिल जाता 1.5 लाख के में अपने को मिल जाता। अगर हिमालयन लिए तो मतलब वो 2.5 लाख में मिल जाता अपने को, तो उसमें इसमें मतलब 1 लाख का डिफरेंट रहता। लेकिन
हिमालयन से अपने को राइडिंग के वास्ते होने दो, या हिमालयन किसी भी जगह, मतलब पहाड़ पे, चिकड़ पे, पानी पे, कहाँ भी चले जाओ, मतलब आपके कंफर्टेबल राइड अपन कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, NS 200 भी कर सकते हैं। देखो जब आपको बार बार लेना नहीं पड़ रहा, मतलब बार बार लेना नहीं पड़ रहा, तो आप लोग मतलब एक हाई में चले जाओ, एक बार ले लो, मतलब उससे बहुत कंफर्टेबली ड्राइव आप कर सकते हैं। अभी तो इसका EMI जो है, टू व्हीलर का है, इसका EMI ख़त्म हो जाना थोड़ा देखो फाइनेंशियली भी मतलब वो थोड़ा रहना चाहिए। जब तक अपना यूट्यूब चैनल भी थोड़ा बहुत तो ग्रो हुए, तो अपने सब्सक्राइबर और बढ़ के व्यूज आए, तो थोड़ा बहुत तो इनकम भी अगर जनरेट हो रहा अपने को, तो धीरे धीरे मतलब हर इम्प्रूवमेंट अपन बढ़ाएंगे। पहली बात तो मोबाइल से बना रहे तो मोबाइल से बनाएंगे कंटेंट। लैपटॉप वगैरह लेना, लैपटॉप क्यों बोल रहा हूँ बोले तो देखो अपने को बहुत इजीली मतलब फास्टली अपने को अगर वीडियो चाहिए एडिटिंग के वास्ते, तो लैपटॉप पे मतलब वो ईजी हो जाएगा। जब वाईफाई कनेक्ट ले तो अपन बहुत ईजी काम कर सकते। मोबाइल पे क्या हो जा रहा है, डेटा ख़त्म हो जा रहा, कभी एडिटिंग में प्रॉब्लम, इस तरह प्रॉब्लम्स हो जा रहे। देखो आपके भाई का चैनल जब स्टार्ट करे थे 19 इस तरह थे, उसके बाद में 15 हो गए, 15 के बाद में 70, 80, 90, 100, धीरे धीरे मतलब बढ़ते गए अपने सब्सक्राइबर। उसी तरह मतलब देखो चैनल भी इंप्रूव होना बोले तो कोई मामूली बात नहीं है। देखो अपन मेहनत करते रहो वो ऑटोमेटिकली मतलब खुद का खुद इंप्रूव होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कि मतलब देखो अपन कंटेंट बना रहे मतलब अपने सब्सक्राइबर तक लेके जा रहे, लेकिन उन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे बोलते नहीं, तो कभी ना कभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते रहो। इस मौसम में ना बहुत इंजॉय करते हुए भी जा रहा हूँ मैं, आप लोगों को भी मतलब इतना बढ़िया नज़ारा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये भी ये जो सामने गाड़ी जा रहा, ये जो गाड़ी मतलब इनोवा टक्कर देने को मारुति ने मतलब हर टाइम कोशिश करते रहता कि इनोवा के बेसिक में अपन भी निकालना पड़े था। जैसा न्यू मॉडल लॉन्च करा था इनोवा, फिर मारुति ने न्यू मॉडल लॉन्च करा, वो 30 लाख से तो ये 12 लाख के अंदर आपको आ जाता, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मतलब वैसे गाड़ियाँ मतलब आपको दो ले सकते या दो या तीन गाड़ियाँ ले सकते उस प्राइस में। तो ये गाड़ियाँ अभी एक छोटा गाड़ी इस तरह कुछ ले सकते 7-8 लाख रुपीस में, जो भी आता है मोटी के अंदर तो 3 गाड़ियाँ आ जाते तो। लेकिन देखो क्वालिटी, कंपनी, इंजन कैपेसिटी और इस तरह थोड़ा बहुत तो डिफरेंट अपने को देखने को मिल जाता। मतलब तूफान मौसम है, इसीलिए मैं सुना कि आंध्र के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट साइड मतलब पूरा पानी भर के वहाँ के घर पूरे नुकसान हो गए, पूरे गवाह बोले था सुनने में आया अपने न्यूज़ के अंदर। तो बहुत सारे जनों डेथ हो गए और साथ साथ बहुत सारे उनके घरों में से सामाना पानी में भर के चले गए। अभी ऐसे थोड़े फैमिली थे कि मतलब पहले ही उस चीज़ को मतलब सोच के मतलब पहाड़ के इलाके में चले गए, वहाँ पे ठहर गए, तो बहुत सारे जनों बच गए। क्या गाड़ी है ना, लैंड रोवर ये जो गाड़ी है न्यू मॉडल है, तो एक बढ़िया लुक के साथ मतलब इस गाड़ी को लॉन्च करा गया। मतलब मेरे हिसाब से ये गाड़ी का जो प्राइस है 3 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में रहता है, मतलब मैं एस्टिमेशन डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जैक्टली प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है। इस तरह जो गाड़ी दिख रहा ना, वो गाड़ी के हिसाब से तो मतलब उतना प्राइस तो बनता ही बनता, क्योंकि देखो
उससे उससे पहले जितने भी रेंज रोवर जो गाड़ियाँ आ गए, लैंड रोवर, रेंज रोवर, जितने भी गाड़ियाँ आए, वो गाड़ियाँ तो मतलब एक टू गॉड्स के रेंज में थे। ये तो मतलब उसका जो आप बोलते हैं ना उस टाइप में दिख रहा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। रोड देखो पानी की वजह से इस तरह रोड पूरे खराब हो जाते हैं, इसके साथ साथ अपनी गाड़ियाँ भी खराब हो।